ला, आप लोग वापस से मेरे चैनल पे आए मेरा वीडियो देखने, इसका मतलब आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग शिल्पी। और जैसा मैंने अभी पहले आप लोग को दिखाया कि नाश्ता बन रहा है, लंच की प्रिपरेशन हो रही है, ऑफिस जाने का दिन है आज, वेडनेसडे है आज। कौन सा दिन है शिल्पी? वेडनेसडे। वेडनेसडे बोलिए। जो भी है, इन शॉर्ट आज ऑफिस का दिन है, ऑफिस जाना है। मेरा मन तो था कि ऑगी को लेके ऊपर जाऊं, टहलूं थोड़ी देर, क्योंकि धूप भी अच्छी खासी है। जैसे आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छी खासी धूप है, तो ऑगी को भी थोड़ी धूप मिल जाएगी। लेकिन फिर कुछ कुछ काम थे, लगा छोड़ो हटाओ, शाम को आते हैं, शाम को ऐसे ही वॉक करा देंगे उसको। वीडियो अपलोड हो रही है, थोड़ी सी बाकी है, ऑलमोस्ट 88% हो गई है। तो जब तक वीडियो अपलोड हो रही है, अपन जा लेते हैं, नहा लेते हैं और फिर आके नाश्ता करके ऑफिस भी निकलना है। लेकिन ऑफिस जाने से पहले पब्लिश करके जाएंगे वीडियो को। आगे हटो, चलो। ये देखो मेरा रास्ता रोकता है, जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ ना, तो अगर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ तो ये मेरा रास्ता रोकता है, पैर पकड़ता है। चलो हटो, बैठने दो ऑगी, बैठने दो, चलो लग जाएगी ना फिर तुम्हें चेयर से। हाँ, नाश्ते में आज क्या है भैया, जरा देखें। पास्ता, और ये आई थिंक पीनट बटर सैंडविच होगा, सैंडविच स्प्रेड वाला सैंडविच है, मेयोनीज स्प्रेड, कूल। पास्ता सैंडविच स्प्रेड वाला सैंडविच, एंड अगेन जिम बीम के ग्लास में बनाना शेक, परफेक्ट ब्रेकफास्ट। इतना बढ़िया नाश्ता बना के दी हो तुम, खाया नहीं जा रहा। थोड़ा सा स्पाइसी है लेकिन सही है, पास्ता स्पाइसी होता है। ओके, आई एग्री। नहीं, इंडियन टच दे दिया मैंने, देसी पास्ता लेकिन वैन वाले की तरह लेकिन सही है, इट्स नाइस। तो फ्रेंड्स, मैं ऑफिस से वापस आ गया था शाम को, अभी निकल रहे हैं ऑगी के लिए कुछ डॉग फूड वगैरह और उसके एक दो कुछ और आइटम्स देखने, पेट शॉप पे ही जा रहे हैं जहाँ हर बार जाते हैं। शिल्पी भी रेडी हो चुकी है, जूते बांध रही है, और ऑगी देखो मेरे जूतों के साथ क्या कर रहा है। खा जा बेटा, पूरा खा जा जूता, बचने मत दी कुछ भी, ठीक है ना। इसका मैंने वैसे वो ट्यू करने वाले टॉयज मंगा लिए हैं, अमेजोन से ऑर्डर कर दिए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वही मंगा रहा हूँ इसके लिए। शायद सैटरडे या संडे तक आ जाएंगे, तब इसकी ये वाली जो प्रॉब्लम है चप्पल जूते खाने वाली, वो आई थिंक बंद हो जाएगी। तो अभी बस जूते वूते पहन के निकलते हैं और रोड पे मिलते हैं आप लोगों से। जब दरवाजा बंद किया तो ऑगी कुछ कुछ कर रहा था ना, और तुम क्या बोल रही थी, मुझे रहम नहीं आता उस पे यार, ही शुड लर्न टू लिव अलोन बाबा। तुमने याद किया कैसे रहते हैं? हाँ, मैंने सीखा। हाँ मम्मा। हाँ तो दोस्तों, रोड पे निकल चुके हैं, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो रखी है यार, मतलब अजीब सा लगने लगता है। बाहर निकलो ना, थोड़ी देर के बाद ही ऐसा लगता है गंदी गंदी सी फीलिंग आ गई। देखो मैं नहा के निकला हूँ और मेरे हाथ पैरों में एक अजीब सा सेंसेशन सा हो रहा है, जैसे मिट्टी और धूल मिट्टी लगने के बाद नहीं होता है वैसा। तो अभी तो पहले जा रहे हैं पेट स्टोर पे, वहाँ से दो तीन आइटम लेने हैं, एक तो ऑगी का डॉग फूड लेना है, उसके बाद उसकी कैल्शियम मोन लेनी है, उसके फिर बिस्किट्स भी खत्म हो रहे हैं वो भी ले लेते हैं, और उसके लिए कुछ स्वेटर भी देखना तो है। आई एम नॉट श्योर मैं लूँगा इनके यहाँ से कि नहीं, बट रेट वेट ले लेते हैं और क्वालिटी देख लेते हैं कैसी है, क्योंकि छोटे पपीज़ के साथ थोड़ी दिक्कत ये है कि साइज़ हर जगह मिले ना मिले। अब आई थिंक इसके स्टोर पे तो हर चीज़ अवेलेबल होगी, देखते हैं चल करके, ज़्यादा दूर नहीं है, बस आ ही गए उसके पास। ये देखो आ गए भाई उसकी शॉप पे, ये अपनी पार्किंग। हाँ जी उतरिए। कौन सा था मेरा? अरे भैया, इसमें और इस वाले में क्या फर्क होगा, इसमें और इसमें? ये पपी स्मॉल ब्रीड, स्मॉल डॉग। हाँ हाँ हाँ, ये स्टार्टर है और ये भी स्टार्टर है, ये प्रो है, ये प्रीमियम रेंज है, ये नॉर्मल रेंज है। ओके, अभी जैसे 3 महीने ऑलमोस्ट है हो गया है, तो कौन सा सही रहेगा इन दोनों में से? पपी स्मॉल, ये वाला। वो तो स्टार्टर, तो ये तो खिला चुके एक बार, तब ये चलेगा। एक ये मिल्क बोन भी चाहिए थे मेरे को, और बिस्किट्स भी चाहिए थे। अच्छा, कोई भी निकाल दीजिए, है तो सब एक ही चीज़। हाँ, वो तो एक ही है, बस वो डिजाइन, कोई भी एक डिज़ाइन निकाल दो। लास्ट टाइम ऐसे टाइप के ले गए थे, अब थोड़ा डिफरेंट निकाल दो, देखते हैं एक बार इसको ले जा करके।
हाँ वो एसी टाइप के थे, बस वो प्लेन थे डॉक्टर साहब। इसमें के वो प्लेन थे, जैसे ये कलर्ड हैं वो प्लेन थे। इसमें कई सारे फ्लेवर हैं। हाँ तो खा लेगो सब। कपड़ा होगा क्या विंटर्स के लिए पहनाने को? अभी टाइम नहीं आया। अभी नहीं आया, अभी जो सीजन है वो बेड का है। अभी बेड का है। दिवाली के बाद, दिवाली के बाद कपड़े। मैं अपना बैग लेके आया था तो पॉलीथीन नहीं ली। क्या फालतू में पॉलीथीन वेस्ट करना, एनवायरनमेंट के लिए सोचो। मैडम किधर गई? अरे चलें शिल्पी, हो गया मेरा। चलो जी, अपना एक काम हो गया है पेट स्टोर वाला, और बाकी के दो काम बचे हैं। ग्रोसरी का कुछ कुछ आइटम है वो लेना है, और उसके बाद अपन की आज चीट मील है। मतलब मेरी तो रोज़ ही हो रही है ऑलमोस्ट चीट मील, शिल्पी के लिए आज चीट मील है, इसीलिए स्पेशली उसको बाहर लेके आए चीट मील कराने। घर पे नहीं कर रहे चीट मील, बाहर लेके आए चीट मील कराने। A few moments later. गोलगप्पे दे रहा है क्या ये? दिस इज विकास स्वीट्स, वन ऑफ द फेमस स्वीट शॉप्स ऑफ अलीगढ़। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं गणपत, गणपत, एक गणपत। गणपत किधर गया रे? इधर है गणपत। नीली नीली लाइट लगी है गणपत पे, पार्किंग आगे से है तो पार्किंग में घुसा देंगे। अरे बाप रे बाप, ये कैसे लगाया है पार्किंग? स्टूपिड भाई साहब, ऐसा करते हैं तुम एक बार उतरो तो मैं बताता हूँ। पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है, पहले गाड़ी पार्क कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो देखो जैसा आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई गणपत के यहाँ। यहाँ बहुत शोर मच रहा है राइट, पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। मैं क्या सोच रहा हूँ, जो मंगाना है ना हाफ हाफ मंगाओ, बिकॉज टुडे आई वांट टू ट्राई मल्टीपल थिंग्स। ऐसे मत करो, ऐसे तुम्हें घर में खाना नहीं मिलता। बेइज्जती मत कराओ मेरी। अरे नहीं मतलब कि कई सारी चीज़ें खाने का आजमान हो रहा है, ऐसा नहीं कि बस एक चीज़ मंगा ली या पेट भर के खा ली। सिलेक्शन हुआ आपका? हाँ, मेरी हुई आलू टिक्की विदाउट कर्ड। आलू टिक्की विदाउट कर्ड, बस अभी यही मंगाते हैं। फिर मेरा अनियन मसाला डोसा। अनियन मसाला डोसा, और फिर गुलाब जामुन तो है ही है। गजब वाली चीट मील है। ऑर्डर देते हैं, जैसे जैसे खाना आता है आप लोगों को दिखाते भी रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो भैया हमारी आलू टिक्की तो आ गई है, इट लुक्स डिलीशियस। दही नहीं डलवाई है इसमें, और शोर बहुत मच रहा होगा क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो वो शोर ज़्यादा मचाते हैं, खाते कम हैं। ऑगी की तरह, ऑगी की तरह। तो शिल्पी लोग आलू टिक्की आ चुकी है, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, दो दो चम्मच लेके। क्या बात है, जैसे जैसे अंदर जा रहा होगा अच्छा लग रहा होगा ना, जैसे जैसे अंदर जा रहा होगा। आलू टिक्की तो हमने ख़त्म कर दी है, अब हमारा मसाला डोसा आने वाला है। शोर है, बहुत ज़्यादा शोर है, चकर 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 चकर, हर तरफ चकर चकर है। तो हमारा अनियन मसाला डोसा आ चुका है, और शिल्पी का चेहरा खिल गया है। हम फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जो फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आए थे यहाँ पे तो बस दिखा रहे हैं क्या खा रहे हैं पी रहे हैं। तो मैडम टूट पड़ी है, ये उतना क्रिस्पी तो नहीं होता है मसाला डोसा की तरह, टेस्ट बेटर देन मसाला डोसा। बताओ शिल्पी कैसा लग रहा है, खा के बताओ। अच्छा है, यमी? शक्ल से तो नहीं लग रहा यमी। अच्छा है, चलो गरम तो होगा ऑब्वियसली, ठीक है इसको भी निपटाते हैं, फिर देखते हैं क्या मंगाना है नेक्स्ट। A few inches later. तो एक बार और मेन्यू कार्ड हाथ में ले लिया हम लोगों ने। डोसा और टिक्की खाने के बाद भी हिम्मत है शिल्पी तुम्हारे अंदर? मेरे अंदर नहीं है। नहीं है? गुलाब जामुन वो तो है, उसकी है। किसकी? गुलाब जामुन की। हाँ गुलाब जामुन खाते हैं, गणपत के फेमस गुलाब जामुन। हाँ हाँ, वन फॉर ईच। यू नो ये बहुत अच्छे होते हैं। देखो भीड़ थोड़ी सी कम हो गई है, अपने बगल वाली टेबल अब खाली हो गई जहाँ बहुत सारे बच्चे थे और शोर मचा रहे थे। गर्म होगा शिल्पी तो थोड़ा आराम से खाना। गणपत फेमस है अपने गुलाब जामुन के लिए, मैंने खाया तो कई बार है, एक बार फिर से खाता हूँ। माइंड ब्लोइंग।
आज का शो स्टॉपर है गुलाब जामुन, क्यों शिल्पी? सबसे बेस्ट है ना। चलो जी जल्दी से ये फिनिश करते हैं फिर निकलते हैं रोड पे, है ना। अब और कुछ खाने का है? ऑगी अकेला है। ऑगी अकेला है। ऑगी बेटू मेरा, अले 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 मिलो बेटू बेटू, ओ मेरा बच्चा, ओले मिलो बेटू। अरे लेट गया, यही लेट गया कि प्यार करें हैं। आजा अंदर तो आजा शिल्पी, देखो शिल्पी शिल्पी ये। देख तेरे लिए क्या लाए, कितना सारा सामान लाए बेटू के लिए। शुशु आया बेबी को, शुशु आया, आजा आजा आजा। अच्छा मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास, मैंने हेलमेट लगाया हुआ है ना। तो ठीक है गाइस, अब इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। सारे बिछड़े मिल चुके हैं। ओगी के पास हम आ गए हैं, ओगी खुजली कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस व्लॉग को इधर ही एंड कर देना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देखा हो तो थैंक यू वेरी मच, लाइक जरूर मार दो यार यहाँ तक देखा है पूरे एंड तक तो। और अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो। लेकिन ये बताओ शिल्पी तुमसे लास्ट क्वेश्चन आज का, कैसी थी गणपत की चाट? वो तो हमेशा अच्छी होती है। वो तो हमेशा अच्छी होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। बाय।